बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुताज़ क्यूज़ीन। आज हम आपको बनाना बताएंगे मूंग की दाल की खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं हम लोग आज। ये मूंग की दाल हमारे पास एक पाव, और एक पाव हमारे पास चावल है, आधा कप ऑयल है, 2 टेबल स्पून दही है, एक हमारे पास टमाटर है, एक प्याज है, 1 टीस्पून हमारे पास ये अदरक है, 1 टेबल स्पून ये हरी मिर्चें हैं, ये साबुत गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है, 3 से 4 ब्लैक पेपर काली मिर्चें, ये इसमें बड़ी इलायची है एक छोटी, एक ये उसकी बादियान का फूल की एक पत्ती है बस, और एक ये करी पत्ता है। इससे मसालों में हमारे पास 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, क्रश चिली है 1 टीस्पून, और हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम ऑयल के अंदर प्याज को सोते करते हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं। ये हम लोगों ने पतीली ली, इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे और प्याज डालते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, लाइट गोल्डन कलर में करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें और अदरक ऐड करके इसको भून रहे हैं। बाद में हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, ये बहुत मज़े की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपको स्पोर्ट की जरूरत है और स्पोर्ट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ साथ भून रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग तीखे मसाले ऐड करेंगे, ये खिचड़ी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। मज़ेदार साथ में हम लोग इसके अंदर दाल ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग 2 से 3 मिनट तक भून रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। साथ में हम लोग इसके अंदर दही भी ऐड कर रहे हैं। इतना भूनने से ज़रा दाल हमारी फ्राई हो जाती है और बड़ी अच्छी बनती है खिचड़ी। तो ये देखिए दाल हमारी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं और दाल को गलने के लिए छोड़ रहे हैं। 5 मिनट के लिए इसको ढाँप के पकाएंगे, दाल हमारी गल जाएगी, फिर इसमें चावल ऐड करते हैं। तो
तो ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड कर रहे हैं। स्टेज पे आप लोग इसका नमक चेक करके हम अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। आंच को हमने तेज कर दिया, इसको हम लोग चावल को पका रहे हैं। एक कली छोड़ेंगे इसमें और फिर इसको हम लोग दम में पकाएंगे। पानी ड्राई करने तक हम लोग इसको पका रहे हैं। पानी जब तक पानी ड्राई होता जी हम आपको फिर बाद में मिलते हैं। पानी ड्राई करने के बाद फिर आपको इसकी लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए पानी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो गया। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दाम पर रख रहे हैं, तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे दाम हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले पके हैं। मुझे की खुशबू आ रही है, खुशबू ट्राई कीजिएगा। अब हम आपको साफ करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार हो गई है। आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।